हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। तो सुबह सुबह मैं आई हुई थी अपने घर और यहाँ पर ना चनार के फ्लावर जो हैं वो थोड़े थोड़े से ना खिले हुए थे, हैं तो अभी बड की फॉर्म में ही लेकिन थोड़े से खिले हुए थे, तो इनको मैंने तोड़ लिया था। क्या होता है कि हमारे घर में एक दरख्त है तो उसके ऊपर एक दिन में 2 या 3 जो होते हैं ऐसे फ्लावर बन जाते हैं, तो उनको हम लोग रख लेते हैं और फिर 1 वीक तक ना हमारे 1 सालन बनाने के लिए ये हो जाते हैं। अच्छा जी, आज हमें जाना है शॉपिंग करने के लिए और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 1-2 ड्रेसेस जो थे वो हमारे हो गए थे, तो आज उसके साथ की मैचिंग की सारी चीज़ें लेनी है। आज है जी जुमेरात और इसलिए ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, ट्रैफिक थी बहुत ज़्यादा, तो जहाँ से हम लोग ना 5 मिनट में गुजर जाते हैं तो यहाँ पर हमें टाइम लग गया था तकरीबन 15 से 20 मिनट। कभी कभी ऐसे ट्रैफिक नहीं भी होता, जुमेरात वाले दिन इजीली बंदा चला जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत होता है। देख लो भाई देख लो, हमारे एरिया की मंडी भी आप लोग देख लो और बताना ये कैसी है। अच्छा जी, आज शॉपिंग के लिए जा रही हूँ मैं, अम्मी और दोनों खालाएं साथ में। हमारे साथ ना आज कोई बच्चा वगैरह नहीं था और वैसे भी वो लोग ना इस बार पता नहीं कैसे आराम से सुकून से ठहर गए और कह रहे हैं कि हमारी चीज़ें आप लोग सारी खुद ही लेकर आ जाना, ये अच्छी बात है वैसे भी। और मैं आपको साथ में एक और बात बता दूँ, हमारे ना एक ही साथ में 2-2 शादियाँ आ गई हैं। हमारी एक कज़िन की शादी जिसकी पहले से शादी होनी थी, मतलब उनकी तो पहले से तय थी, हमारी जो है ना हम लोगों ने उसके बाद तय कर ली थी, तो ये बिल्कुल एक साथ ही आ गए। एक दिन उनका वलीमा होना है और नेक्स्ट डे जो है भैया की मेहंदी होनी है, तो हम लोगों ने ना अब 2 शादियों की ना एक साथ तैयारी करनी है। जल्दी जल्दी से ना ये सारे काम हमें फिनिश करने होंगे क्योंकि फिर हमें अपनी कज़न की शादी पर भी जाना होगा और उससे थक जाएंगे, और फौरन से ही हमारे भैया की शादी है, तो ये सारी जो है ना शादी की तैयारियाँ जो है अब हमें डबल करनी पड़ गई हैं। अच्छा जी, हम सब सुबह सवेरे ही पहुंच गए थे बाज़ार में क्योंकि जो बाज़ार है ना हमारे घर से काफ़ी दूर है, हमारे अपने एरिया की बाज़ार नहीं है, ये है जी डीजी खान सिटी की बाज़ार, तो हम लोग यहाँ आए थे। तो हम सुबह ना नाश्ता वगैरह करके फ़ौरन से निकल पड़े थे। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हमें ना थोड़ी देर हो गई थी, हम 2 या 3 बजे से रवाना हुए थे और ना यहाँ पर पहुँचते ही हमें ड्रेसेस तो हमें कोई नहीं मिल रहा था अच्छा सा, तो हम लोग ने यहाँ पे देखी थी चादरें और उसके बाद हम ख़रीदने के लिए आ गए थे शूज़। यहाँ पर ना हम लोगों ने सिल्वर कलर के शूज़ देखे थे क्योंकि मुझे सिल्वर कलर के चाहिए थे और यहाँ पर मोस्टली जो थे उनका थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन चेंज था और बाकी जो उनके ऊपर काम वगैरह होता है ना वो सेम ही था, तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे शूज़। और हमारा क्या होता है कि हम लोग अम्मी के मशवरे से हर चीज़ ले रहे होते हैं, मैं तो मोस्टली क्योंकि मुझे अपनी चीज़ अगर मैं अपने दिल से ले भी जाऊँ कोई चीज़ तो बाद में मुझे वही चीज़ नहीं पसंद आती और मैं कहती हूँ कि नहीं अम्मी मुझे तो ये पहननी नहीं है, तो इसलिए मैं चलकर भी अम्मी को दिखा रही थी कि मैं क्या ये शूज़ ले लूँ या वो वाली लूँ, यही मशवरे चल रहे थे। फिर जी हम लोग गए थे कपड़ों वाली शॉप पर क्योंकि अम्मी लोगों ने कपड़े लेने थे, और साथ में मैं आपको बता दूँ जितनी एक्साइटेड मैं होके गई थी उतनी मेरी तबीयत वहाँ ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया था, काफ़ी देर तक तो मैं चुप करके घूमती रही। फिर जब मुझे लग रहा था कि अब मेरा बीपी लो हो गया और मैं ना बेहोश हो जाऊंगी, फिर अम्मी लोगों के साथ हम लोगों ने कुछ खाने चले गए थे, तो हमने खाया था बर्गर और यहाँ पर हमने दही भले खाए थे, दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं थी बस ठीक सी थी। अच्छा जी, यहाँ पर ना शूज़ आपको नज़र आ रहे होंगे पर्पल और वाइट वाले, वो मुझे अच्छे लगे थे, इनको हम कुस्सा बोलते हैं, मुजड़ी बोलते हो आप लोग जो भी, यही मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ लेकिन मेरा साइज़ नहीं था इनके अंदर, और फिर ना वाइट वाले थे वो भी मुझे नहीं मिले थे। एट लास्ट मैंने येलो कलर के लिए थे लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा उस दिन ख़राब थी, तो मैंने भाई से कहा था कि मुझे ना 7 अप आप ले दो क्योंकि 7 अप पीने से ही मैं ना ठीक हो जाती हूँ, कितनी अजीब सी बात है ना, तो फिर मैंने वो भी मुझसे नहीं पी जा रही थी, तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी। और यहाँ पर हम लोग आए थे, बच्चों ने अपनी सारी चीज़ें देखी थी, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं थी, मैं तो लेट ही रही थी, और अब मैं देख रही हूँ कि सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो शादी वाला घर है ये सब तो चलता ही रहता है, इसकी सफाई शफाई करते हैं और फिर सो जाते हैं क्योंकि तकरीबन इस टाइम में ना टाइम हो रहा था 11:30 का रात के, और अभी ये सारा कुछ संभालना है। देखो मेरी एक शूज़ यहाँ पर पड़ी हुई है और पता नहीं दूसरी काम पर पड़ी हुई है। अच्छा, मैं इस सारे सामान को संभाल देती हूँ, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, नीचे कमेंट भी कर देना। बाय बाय।